तौर पुनर्निर्वाचित सदस्य आज शपथ। बिहार, श्रीमती धर्मशीला गुप्ता। हम धर्मशीला गुप्ता जे राज्यसभा के सदस्य निर्वाचित भेलहुं अछि, ईश्वरक शपथ लैत छी जे हम विधि द्वारा स्थापित भारतक संविधानक प्रति एकता, श्रद्धा ओ निष्ठा राखब। हम भारतक प्रभुता ओ अखंडता के अक्षुण्ण राखब और जाहि पद के हम ग्रहण करय वाला छी तकर कर्तव्यक श्रद्धापूर्वक निर्वहन करब। सदन की निर्वाचित सदस्य धर्मशीला गुप्ता ने शपथ ली। भारतीय जनता पार्टी की वो सदस्य हैं, धर्मशीला गुप्ता बिहार से चुनी गई हैं। बिहार में बीजेपी की महिला मोर्चा की अध्यक्ष रह चुकी हैं धर्मशीला गुप्ता। धर्मशीला गुप्ता पहली बार संसद के उच्च सदन के लिए निर्वाचित हुई हैं। हम मनोज कुमार झा जे राज्यसभा के सदस्य निर्वाचित भेलहुं अछि, सत्य निष्ठा से प्रतिज्ञान करै छी जे हम विधि द्वारा स्थापित भारतक संविधानक प्रति एकांत श्रद्धा और निष्ठा राखब। हम भारतक प्रभुता और अखंडता के अक्षुण्ण राखब और जाहि पद के हम ग्रहण करय वाला छी तकर कर्तव्यक श्रद्धापूर्वक निर्वहन करब। सदन के निर्वाचित सदस्य प्रोफेसर मनोज कुमार झा राष्ट्रीय जनता दल के सदस्य हैं और बिहार से चुने गए हैं। प्रोफेसर मनोज कुमार झा का राज्यसभा में ये दूसरा कार्यकाल है। श्री संजय यादव। मैं संजय यादव, जो राज्यसभा का सदस्य निर्वाचित हुआ हूँ, सत्य निष्ठा से प्रतिज्ञान करता हूँ कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। मैं भारत की प्रभुता और अखंडता अक्षुण रखूंगा तथा जिस पद को मैं ग्रहण करने वाला हूँ उसके कर्तव्यों का श्रद्धापूर्वक निर्वहन करूंगा। संजय यादव निर्वाचित सदस्य राज्यसभा। उच्च सदन के निर्वाचित सदस्य संजय यादव राष्ट्रीय जनता दल के सदस्य हैं। संजय यादव बिहार से चुने गए हैं और पहली बार संसद के उच्च सदन के लिए निर्वाचित हुए हैं। गुजरात, श्री गोविंद भाई लालजी भाई ढोलकिया।
मैं गोविंद भाई लालजी भाई ढोलकिया जो राज्यसभा का सदस्य निर्वाचित हुआ हूँ, ईश्वर की शपथ लेता हूँ कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूँगा। मैं भारत की प्रभुता और अखंडता अक्षुण रखूँगा तथा जिस पद को मैं ग्रहण करने वाला हूँ उसके कर्तव्यों का श्रद्धापूर्वक निर्वहन करूँगा। गोविंद भाई लालजी भाई ढोलकिया निर्वाचित सदस्य राज्यसभा। उच्च सदन के निर्वाचित सदस्य गोविंद भाई लालजी भाई ढोलकिया ने शपथ ली। भारतीय जनता पार्टी के सदस्य हैं। गोविंद भाई लालजी भाई ढोलकिया गुजरात से चुने गए हैं। गोविंद भाई लालजी भाई ढोलकिया पहली बार संसद के उच्च सदन के लिए निर्वाचित हुए हैं। हरियाणा श्री सुभाष चंद्र। मैं सुभाष चंद्र जो राज्यसभा का सदस्य निर्वाचित हुआ हूँ, ईश्वर की शपथ लेता हूँ कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूँगा। मैं भारत की प्रभुता और अखंडता अक्षुण रखूंगा तथा जिस पद को मैं ग्रहण करने वाला हूं उसके कर्तव्यों का श्रद्धापूर्वक निर्वहन करूंगा। सुभाष चंद्र निर्वाचित सदस्य राज्यसभा। उच्च सदन के निर्वाचित सदस्य सुभाष चंद्र ने शपथ ली। भारतीय जनता पार्टी के सदस्य हैं सुभाष चंद्र। हरियाणा से चुने गए हैं। 2014 में हरियाणा के टोहना विधानसभा क्षेत्र से निर्वाचित पहली बार संसद के उच्च सदन के लिए चुने गए। हिमाचल प्रदेश श्री हर्ष महाजन। आई हर्ष महाजन हैविंग बीन इलेक्टेड अ मेंबर ऑफ द काउंसिल ऑफ स्टेट डू स्वेयर इन द नेम ऑफ गॉड दैट आई विल बियर ट्रू फेथ एंड एलिजेंस टू द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया बाय लॉ एस्टैब्लिश्ड that I will uphold the sovereignty and integrity of India and that I will faithfully discharge the duty upon which I am about to enter. हर्ष महाजन निर्वाचित सदस्य राज्यसभा। उच्च सदन के निर्वाचित सदस्य हर्ष महाजन ने शपथ ली। भारतीय जनता पार्टी के सदस्य हैं हर्ष महाजन। हिमाचल प्रदेश के चंबा से राज्यसभा के लिए निर्वाचित पहली बार सांसद संसद के उच्च सदन के लिए चुने गए हैं। कर्नाटका श्री जी सी चंद्रशेखर। गंगूर चलवेगौड़ चंद्रशेखर एंब हेसरिनाद नानु
ರಾಜ್ಯಸಭೆ ಸದಸ್ಯನಾಗಿ ಚುನಾಯಿತನಾಗಿ ಕಾನೂನಿನ ಮೂಲಕ ಸ್ಥಾಪಿತವಾದ ಭಾರತದ ಸಂವಿಧಾನಕ್ಕೆ ಸತ್ಯ ಶ್ರದ್ಧೆ ಮತ್ತು ನಿಷ್ಠೆಯನ್ನು ಹೊಂದಿದ್ದರೆಂದು ಭಾರತದ ಸಾರ್ವಭೌಮತ್ವವನ್ನು ಮತ್ತು ಅಖಂಡತೆಯನ್ನು ಎತ್ತಿ ಹಿಡಿಯುತ್ತೇನೆಂದು ಮತ್ತು ನಾನು ಈಗ ಕೈಗೊಳ್ಳಲಿರುವ ಕರ್ತವ್ಯವನ್ನು ಶ್ರದ್ಧಾಪೂರ್ವಕವಾಗಿ ನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತೇನೆಂದು ದೇವರ ಹೆಸರಿನಲ್ಲಿ ಪ್ರಮಾಣ ಮಾಡುತ್ತೇನೆ. ಜಿಸಿ ಚಂದ್ರಶೇಖರ್, ನಿರ್ವಾಚಿತ ಸದಸ್ಯ ರಾಜ್ಯಸಭಾ. ಉಚ್ಚ ಸದನಕ್ಕೆ ನಿರ್ವಾಚಿತ ಸದಸ್ಯ ಜಿಸಿ ಚಂದ್ರಶೇಖರ್ ನೀಲಿ ಶಪಥ್. ಭಾರತೀಯ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಕೆ ಸದಸ್ಯ ಹೇ ಜಿಸಿ ಚಂದ್ರಶೇಖರ್ ಕರ್ನಾಟಕ ಸೇ ಚುನೆ ಗಯೆ ಹೇ ಜಿಸಿ ಚಂದ್ರಶೇಖರ್ ರಾಜ್ಯಸಭಾ ಕೆ ಸದಸ್ಯ ಕೆ ತೌರ್ ಪರ್ ಲಗಾತಾರ್ ದೂಸರಿ ಬಾರ್ ಚುನೆ ಗಯೆ ಹೇ. मध्य प्रदेश डॉक्टर एल मुरुगन. மாநிலங்களின் உறுப்பினராக தேர்ந்தெடுக்கப்பட்டிருக்கும் டாக்டர் எல் முருகன் என்னும் நான் சட்டத்தினால் நிறுவப்பட்டதுமான இந்திய அரசியல் சட்டத்தின் மீதும் உண்மையான பற்றாரவும் பற்றுறுதியும் கொண்டிருப்பேன் என்றும் இந்தியாவின் இறையாண்மையை ஒருமைப்பாட்டையும் உறுதியாக பற்றி நிற்பேன் என்றும் நான் இப்போது ஏற்க இருக்கும் கடமையினை நேர்மையாக நிறைவேற்றுவேன் என்றும் கடவுளின் பெயரால் ஆணையிட்டு கூறுகின்றேன். டாக்டர் எல் முருகன், நிர்வாச்சித் சதஸ்ய ராஜ்யசபா. உச்ச சதன்கே நிர்வாச்சித் சதஸ்ய டாக்டர் எல் முருகன் நே சபத் லி. பாரதிய ஜனதா பார்ட்டி கே சதஸ்ய டாக்டர் எல் முருகன் மத்திய பிரதேச சே சுனே கயே ஹே. டாக்டர் எல் முருகன் का राज्यसभा में ये दूसरा कार्यकाल है. केंद्रीय राज्य मंत्री के पद पर रह चुके हैं. श्री अशोक सिंह. मैं अशोक सिंह, जो राज्यसभा का सदस्य निर्वाचित हुआ हूँ, ईश्वर की शपथ लेता हूँ कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा. मैं भारत की प्रभुता और अखंडता को अक्षुण्ण रखूंगा तथा जिस पद को मैं ग्रहण करने वाला हूं, उसके कर्तव्यों का श्रद्धापूर्वक निर्वहन करूंगा. अशोक सिंह, निर्वाचित सदस्य राज्यसभा. उच्च सदन के निर्वाचित सदस्य अशोक सिंह ने शपथ ली. भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के सदस्य हैं. अशोक सिंह मध्य प्रदेश से चुने गए हैं. अशोक सिंह चार बार लोकसभा चुनाव लड़े और असफल रहे. पहली बार राज्यसभा के लिए निर्वाचित हुए. महाराष्ट्र, श्री चंद्रकांत हेंडौरे. मी चंद्रकांत दामोदर हेंडौरे राज्यसभेचा सदस्य म्हणून निवडून आलो असल्याने गांभीर्यपूर्वक दृढ कथन करतो की
कायद्याद्वारे स्थापित झाले आहे अशा भारतीय संविधानाबद्दल मी खरी श्रद्धा व निष्ठा बाळगीन. भारताची सार्वभौमता व एकात्मता उन्नत राखीन आणि आता जे कर्तव्य मी हाती घेणार आहे ते निष्ठापूर्वक पार पाडेन. धन्यवाद. जय हिंद. चंद्रकांत हंडोरे निर्वाचित सदस्य राज्यसभा. उच्च सदन के निर्वाचित सदस्य चंद्रकांत हंडोरे ने शपथ ली. भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के सदस्य हैं चंद्रकांत हंडोरे. दो बार महाराष्ट्र विधानसभा के सदस्य रहे. महाराष्ट्र सरकार में कैबिनेट मंत्री भी रह चुके हैं. पहली बार राज्यसभा के लिए निर्वाचित हुए. श्रीमती मेधा विश्राम कुलकर्णी. अहम् मेधा विश्राम कुलकर्णी या राज्यसभायाः सदस्यत्वेन निर्वाचिता अस्मि. ईश्वरस्य नाम्ना शपे यद् अहम् विधिना स्थापितं भारतस्य संविधानं प्रति सत्यां श्रद्धां निष्ठां च धारयिष्ये तथा भारतस्य प्रभूताम् अखण्डतां च अक्षुण्णां रक्षिष्यामि तथा यत् पदं ग्रहीतुम् अहम् उद्यता अस्मि तस्य कर्तव्यानि श्रद्धापूर्वकं निर्वक्ष्यामि. मेधा विश्राम कुलकर्णी निर्वाचित सदस्य राज्यसभा. उच्च सदन की निर्वाचित सदस्य मेधा विश्राम कुलकर्णी ने शपथ ली. भारतीय जनता पार्टी की सदस्य हैं मेधा विश्राम कुलकर्णी. महाराष्ट्र से चुनी गई हैं. मेधा विश्राम कुलकर्णी महाराष्ट्र विधानसभा की सदस्य रह चुकी हैं. पहली बार राज्यसभा के लिए निर्वाचित हुई हैं. उत्तर प्रदेश श्रीमती साधना सिंह. जी हाँ, बता दें कि राज्यसभा के लिए नवनिर्वाचित और पुनर्निर्वाचित सदस्य आज शपथ ग्रहण कर रहे हैं. 11 नवनिर्वाचित और पुनर्निर्वाचित सदस्य शपथ ग्रहण कर चुके हैं.
मैं साधना सिंह, जो राज्यसभा की सदस्य निर्वाचित हुई हूँ, ईश्वर की शपथ लेती हूँ कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूँगी। मैं भारत की प्रभुता और अखंडता अक्षुण्ण रखूँगी तथा जिस पद को मैं ग्रहण करने वाली हूँ उसके कर्तव्यों का श्रद्धापूर्वक निर्वहन करूँगी। जय श्री राम। साधना सिंह निर्वाचित सदस्य राज्यसभा। उच्च सदन की निर्वाचित सदस्य साधना सिंह शपथ ले रही हैं। भारतीय जनता पार्टी की सदस्य हैं साधना सिंह। उत्तर प्रदेश से चुनी गई हैं साधना सिंह। उत्तर प्रदेश विधानसभा की सदस्य भी रह चुकी हैं। पहली बार राज्यसभा के लिए निर्वाचित हुई हैं। हम आपको बता दें कि राज्यसभा के नव निर्वाचित और पुनर्निर्वाचित सदस्य आज शपथ ग्रहण कर रहे थे। नाउ ऑनरेबल मेंबर्स हु हैव जस्ट टेकन ओथ आर इनवाइटेड फॉर अ फोटोग्राफ विद द ऑनरेबल वाइस प्रेसिडेंट एंड चेयरमैन राज्यसभा। जी हाँ।